दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह। और अगर आप अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूं 7 ऐसे पॉइंट्स जो आपके पूरे डेयरी फार्मिंग बिजनेस को बदल देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं आपके लिए सही सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम देख लें कि डेयरी फार्मिंग में कौन से वो 7 पॉइंट हैं, वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो है व्हाई, क्यों आप स्टार्ट करना चाहते हैं डेयरी फार्म। एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूं कि ये मशीनें नहीं हैं, ये एक लाइफ सिस्टम है, एक जिंदगी होती है गाय जिसके साथ आपको डील करना है। तो सबसे पहला जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आसान नहीं है, ये सिंपल है लेकिन ये आसान नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 24/7 आपको 24 घंटे अपने फार्म का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात को आप इस बात को मान लें, क्योंकि आप किसी दूसरे का फार्म देखकर कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं आसानी से कर लूंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछें क्या आपको उन पशुओं से प्यार है, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ बिजनेस है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये मशीनें नहीं हैं, इनको आपको प्यार करना होगा, और जितना आप उनको समझेंगे उतना शानदार आपका डेयरी का बिजनेस चलेगा, उतने अच्छे वो एनिमल्स आपके फार्म पे रहेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो सबसे पहले अपना वाई या क्यों आप करना चाहते हैं, इस बात को जरूर से आप बिल्कुल स्पष्ट कर लें। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग या नॉलेज। आप को मैं फिर से बोल रहा हूं कि वो हो सकता है आपके घर में 2 पशु आपके दादाजी या आपके पिताजी या घर में जो परिवार के मेंबर्स हैं उन्होंने रखे हों, 2 पशु, 3 पशु, 4 पशु पुराने तरीके से। लेकिन अगर आप लंबा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा बिजनेस सोच रहे हैं डेयरी फार्मिंग के माध्यम से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग जरूर ले लें आप NDRI से या NDDV से या KV के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या कहीं से भी जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती, कोई वेटनरी कॉलेज हो वहां से। उसके बाद कम से कम आप 15 दिन की ट्रेनिंग वहां से लें, वो 15 दिन की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लें आप जो भी आपके आसपास बहुत अच्छा जो डेयरी फार्मर हो, जो थोड़ा सा टेक्निकली जिन्होंने उस डेयरी फार्म को आगे बढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, वहां जरूर से आप कम से कम, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 दिन की ट्रेनिंग वहां पे देखें, उनके डे टू डे काम देखें, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, किस तरीके से वो फीडिंग कराते हैं, किस तरीके से वो ब्रीडिंग कराते हैं, और किस तरीके से वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जरूर से आप सारी बातें सीख लें, कुछ नस्ल के बारे में भी समझ लें, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। तो जितना आप सीख कर प्लान बनाकर काम करेंगे उतना आपके लिए ये आसान होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है लोकेशन, कहां पे डेयरी फार्म आपको स्टार्ट करना है या स्केल अप करना है, बड़ा करना है, अपग्रेड करना है, तो वहां पे आप देखें किस तरीके की आपको हाउसिंग उनकी रखनी है, डिजाइन शेड किस तरीके का होगा, वो पहले से ही आप देख लें कि आपके पास कितना लैंड अवेलेबल है, कितनी जमीन है जहां पे आप ये काम करने जा रहे हैं, और जो उसकी जो लोकेशन आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमेशा वहां पे ग्रीन फोडर मतलब हरे चारे की उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हरा चारा बहुत सारा लगने वाला है जब आप पशु जो डेयरी एनिमल्स को वहां रखते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो हरा चारा अगर नहीं है तो आप देखें कि आसपास के जो किसान हैं उनसे आप किस तरीके से खरीद सकते हैं, या हरा चारा अगर उपलब्ध नहीं है या उसकी कमी होती है तो आप साइलेज किस तरीके से वहां पे बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। उसके बाद वहां पे देखें कि आप लेबर उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लेबर की उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको, और साथ साथ में बिजली, और एक आसपास वहां पे वेटनरी हॉस्पिटल या वेटनरी डॉक्टर का होना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको इमरजेंसी में आपके अगर पशु अगर बीमार होते हैं तो आप उनकी सलाह ले सकें, उनको बुला सकें फार्म पे और उनका तत्काल आप इलाज करवा सकें। चौथा मेरा जो पॉइंट है वो है, अब आपने दूध का उत्पादन कर लिया है और लेकिन आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उससे कमाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी डेयरी में जो भी आपके पास जो मुनाफा होगा वो आप इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपना जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क है या मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं
वो उनकी मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो आप पहले से देख लें कि वहां पे जो सहकारी जो समितियां होती हैं वहां पे दूध देंगे, या आप शहर में ले जाकर डायरेक्ट आप कस्टमर्स को देंगे। क्योंकि दो तरीके का आप देखें यहां पे, अगर आप गांव में ही सेल करते हैं तो हो सकता है वहां पे आपको रेट कम मिले, और अगर आप शहर तक ले जाकर उसको वहां शहर में लोगों के घर में अगर आप सप्लाई कर सकते हैं तो आपको हो सकता है वहां पे उसके दाम बहुत अच्छे मिल जाए और आपका मुनाफा बढ़ जाए। तो ये आपको सारी चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी है कि मैं मिल्क जो लिक्विड मिल्क सेल कर रहा हूं तो उसको आगे जो फ्यूचर में मैं किस तरीके से वहां प्रोडक्ट भी बना सकता हूं, पनीर भी बना सकता हूं, घी भी बना सकता हूं, और छोटा मोटा वहां पे अपना प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकता हूं। ये बातें आपको पहले से सोच लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वहां पे पैसा कितना लगेगा, कहां से लेंगे, लोन कहां से मिलेगा, और कितना पैसा आपके पास है, तो इसका पहले से ही आप प्लान कर लें कि सपोज आपको अगर 50 एनिमल रखने हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, शेड कितने का बनेगा, ये सारी आप गणना पहले से कर लें। और यहां पे मेरा जो सुझाव है वो हमेशा ध्यान रखें कि लोन जो है वो कम से कम रखें। और इसका एक ही तरीका है कि जो भी पैसा खर्च करते हैं वो आप कोशिश करिए कि कम से कम 70% पैसा आप एनिमल्स पे खर्च करें, और बाकी का जो 30% जो 30% जो पैसा है वो उसकी हाउसिंग या जो मैकेनाइजेशन है, जो मशीनें हैं या जो भी आप क्रय करते हैं उस पे करें। मैंने कई लोगों को देखा है वो एकदम से लोन लेते हैं और लोन के बाद कई बार उनको गलत लोग मिल जाते हैं सलाह देने के लिए, और वो उल्टा करवा देते हैं, वहां पे 70% जो है वो खर्च कर देते हैं वहां पे ऑटोमेशन पे, बहुत सारी मशीनें खरीद लेते हैं, और बाकी का 30% खर्च करते हैं वो एनिमल्स पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको मुनाफा मिलना है वो दूध से मिलना है, दूध देंगी गाय या भैंस। तो आप कोशिश करें कि 70% खर्चा जो है वो आपकी ब्रीड पे करें, एनिमल्स पे करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो वहीं से आना है। और कम से कम हो सके तो वो 30% से भी कम आप कोशिश करें कि किस तरीके से मैं कम खर्चा करूं उसकी हाउसिंग पे या ऑटोमेशन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोन आपको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप देखते हैं नाबार्ड बहुत सारी हेल्प करता है फार्मर्स की, और दूसरे बैंक्स भी हेल्प करते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको लोन किस तरीके से मिलेगा। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि छोटे से स्टार्ट करें। भले ही आप अगर 50 एनिमल्स की आपने डेयरी प्लान की है तो आप कोशिश करें कि 5-5 करके एनिमल्स धीरे 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 स्टार्ट करें और उसको बड़ा करते जाएं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे उसको बड़ा करते जाएं। अगला पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, वो है इंडक्शन ऑफ एनिमल्स। मतलब आपका फार्म तैयार है, अब आपको पशु परचेज करने हैं, खरीदने हैं, और उनको किस तरीके से आप इंडक्ट करेंगे आपके डेयरी फार्म पर, किस तरीके से उनको खरीदेंगे। तो मेरी आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर प्लान बनाएं कि सपोज आपको 50 एनिमल की अगर डेयरी बनानी है तो आप प्लान बनाएं कि आप पहली फेज में कितने पशु लेकर आएंगे, दूसरी फेज में कितने पशु लेकर आएंगे। फेज वाइज आप उनको धीरे धीरे आप स्टार्ट करें। अगर आप पहली सपोज फेज में 5 एनिमल 10 एनिमल लाइए, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट समझ लेंगे, उनको अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप लेकर आइए, फिर 10 एनिमल इंडक्ट कीजिए, फिर उसके बाद 10 एनिमल इंडक्ट कीजिए। इस तरीके से अगर आप फेज वाइज उनको अपने फार्म पे खरीद खरीद कर लाएंगे तो वहां पे धोखा खाने की चांसेस भी कम होंगे और आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आप उनकी आवश्यकताएं समझ पाएंगे, उनकी फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट है, तो आपको ज्यादा वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। उस तरीके से आप करते जाइए। और एक और मेरी रिकमेंडेशन है कि जब आप पशुओं को जो परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो कोशिश करिए कि अक्टूबर महीने से स्टार्ट करिए और फरवरी माह तक उनको आप अपने फार्म पे ले आइए, क्योंकि उसके बाद का जो मौसम होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। हीट स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस टाइम पे आप कोशिश करिए कि अपने पशुओं को अपने फार्म पर लेकर आइए, और ताकि वो वहां पे अडॉप्ट हो सकें, उस मौसम में वो ढल सकें। सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स मतलब आपका जो इंडक्शन में ही आपका पार्ट आएगा कि जब आप खरीदते हैं पशुओं को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही आपको
लोन मिलता है या आपके पास पैसा आता है, तो बहुत सारे जो दलाल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में आप गलत पशु को सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे मुश्किलें बहुत सारी आती हैं। मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा हुआ है दोस्तों, एक बार आप पशु को लेकर आ जाते हैं उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहता हूं हमेशा जब भी आप पशु को खरीदते हैं तो वहां पे कम से कम 2 से 3 दिन आप उसकी मिल्किंग को जरूर से खुद वहां पे देखें कि उसने कितना दूध दिया, वो पशु किस तरीके से बिहेव कर रहा था जब वो मिल्किंग कर रहा था, उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है। तो आपको उस पशु का पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये पशु एक्चुअली है कैसा। आखिरी पॉइंट है सातवां, वो है विजन फॉर फ्यूचर। आप हमेशा भविष्य को देखकर चलें और छोटे से शुरुआत करें, बड़ा सोचें आप आगे जाकर इस बिजनेस को कहां तक लेकर जा सकते हैं। इसका अध्ययन करते रहें, थोड़ा सा देखते रहें कि आसपास हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये बिजनेस किस तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो बिजनेस है ये असीमित संभावनाओं का बिजनेस है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप देखते रहिए कि मैं अगला इस मिल्क के बाद मैं कौन से प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, मैं किस तरीके से बायोगैस प्लांट बनाऊंगा, मैं किस तरीके से साइलेज बना सकता हूं, मैं किस तरीके से अपना फार्म पे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, या मैं किस तरीके से जो नस्ल है उसको तैयार कर सकता हूं, जो बछड़ियों को तैयार करके लोग आज बहुत सारा मैं देख रहा हूं कि अगर अच्छी नस्ल की वो बछड़ियां होती है तो वहां से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा सोचते रहिए और मुझे 100% उम्मीद है कि आप छोटे से शुरुआत करेंगे लेकिन आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें और अपने डेयरी फार्मर्स जो भाई हैं उन तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।